सो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है बैंक में। बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि सर हमें बैंकिंग में जॉब चाहिए, बैंक में कैसे जॉब अप्लाई करना है। तो ये लो, बैंक की जॉब आ चुकी है। बहुत सारी जॉब्स निकली हैं बैंक में और बहुत ही रिप्यूटेड बैंक है और इंडिया के टॉप 3 बैंक्स में आता है। तो जानते हैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन इस बैंक के बारे में, पे स्केल कितनी होगी, आपका क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस बैंक में, सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कैरियर रिलेटेड और जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती रहती है। और शेयर जरूर करिए ताकि आपके एक शेयर से किसी की जॉब लग सके। जानते हैं डिटेल में इन्फॉर्मेशन इस जॉब के बारे में, इस बैंक के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, ये जो बैंक है वो है ICICI बैंक। ICICI बैंक में जॉब निकली है, जो कि इंडिया का मल्टीनेशनल बैंक है। बहुत सारी इनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, 6000 से ज्यादा इनकी ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया और ये 17 कंट्रीज में फैला हुआ है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, और एक्सपीरियंस है तब भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जॉब निकली है ICICI बैंक में। सो फ्रेंड्स, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं, जानते हैं उस जॉब्स के बारे में, उस रोल के बारे में, और कैसे अप्लाई करना है वो भी हम जान लेते हैं। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो ये मैं लिंक जो है आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूंगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी जॉब्स निकली है। यहाँ पे देखिए 1 साल से लेके 8 साल का एक्सपीरियंस है उसके लिए भी जॉब है, रिलेशनशिप मैनेजर रिटेल बैंकिंग ग्रुप। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके 5 ईयर्स तक का एक्सपीरियंस है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर फोन बैंकिंग। तो हम एक जॉब जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें 0 to 5 ईयर्स में। तो ये जैसे जॉब निकली है रिलेशनशिप मैनेजर फ़ोन बैंकिंग। तो बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजर का क्या रोल क्या होता है मैं आपको मोटा मोटा इसमें बता देता हूँ। रिलेशनशिप मैनेजर मतलब कि आपने कस्टमर्स की क्वेरीज को सॉल्व करना है, कस्टमर्स को सेल भी करना है। ये सम हो सेल्स भी होता है और सम हो कस्टमर केयर से रिलेटेड भी होता है। मतलब कस्टमर्स की क्वेरीज को भी आपने सॉल्व करना है, कस्टमर का ध्यान भी रखना है और साथ साथ में उनको अपने प्रोडक्ट्स भी सेल करने हैं। आपके पास एक क्लाइंट्स होंगे, आपके पास एक क्लाइंट्स की लिस्ट होगी, उन क्लाइंट्स का बेसिकली हर क्वेरीज को सॉल्व करना है, उनकी हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, साथ में उनको नए नए प्रोडक्ट्स जो भी कंपनीज के आ रहे हैं वो आपको सेल्स भी करने हैं। बेसिकली आपका कस्टमर केयर भी हो जाएगा और साथ साथ में सेल्स भी हो जाएगा। जो प्रेजेंट क्लाइंट्स हैं उन्हीं का आपने देख रेख करनी है। तो ये है रिलेशनशिप मैनेजर का बेसिकली काम। तो इसमें देखिए रिलेशनशिप मैनेजर फ़ोन बैंकिंग का इसमें दिया हुआ है। तो अगर हम इसमें देखिए रोल की बात करें तो देखिए विद द रोल डिस्क्रिप्शन गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपका दिया हुआ रिलेशनशिप मैनेजर फोन बैंकिंग। यू विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू इंगेज विद ऑल कस्टमर्स ऑफ द बैंक एंड प्रोवाइड एवरी असिस्टेंस रिक्वायर्ड टू ईज देयर फाइनेंशियल जर्नीज एंड सर्विस देयर बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट नीड्स एज पार्ट ऑफ कस्टमर 360 डिग्री बैंकिंग। तो कस्टमर की जो भी मतलब फाइनेंशियल नीड है, फाइनेंशियल जर्नी है या कोई भी सर्विस के बारे में जानना चाहते हैं उसमें आपको हेल्प करनी है। ऑन ए डे टू डे बेसिस यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर क्वेरीज ओवर द फोन। तो फोन पे जितने भी कस्टमर्स की क्वेरीज होंगी वो आपने सॉल्व करना है, प्रोडक्ट से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए बताई हुई है, क्वेरी रिजोल्यूशन, कस्टमाइज सॉल्यूशन ऑफरिंग, बीहोल्ड अवर वैल्यूज, प्रोवाइडिंग 360 डिग्री बैंकिंग, एडियर टू कंप्लाइंस। तो इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, देखिए इसमें ग्रेजुएट आपका मिनिमम आपका होना जरूरी है और इंजीनियरिंग इन एनी डिसिप्लिन अगर है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएट किसी भी स्ट्रीम में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपकी इसमें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजर हो तो रिलेशनशिप आपने बनाना है कस्टमर के साथ, तो उसके लिए कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। कस्टमर सर्विस, सिनर्जाइज विद टीम, बी प्रोएक्टिव और गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स, ओपन टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन स्किल्स। तो ये सब है। अब इसमें देखिए ये लोकेशन तो इंदौर की है, तो ये जो है वर्क फ्रॉम होम नहीं है, आपने बैंक में जाके काम करना है, तो वर्क फ्रॉम बैंक ये होगी जॉब। और मिनिमम एक्सपीरियंस 0 और मैक्सिमम एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। अप्लाई हियर यहाँ पे क्लिक करने का बटन है, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए लॉगिन मांग रहा है, तो आपने अगर पहले अप्लाई किया हो तो वही यूज़र नेम पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो आपने साइनअप यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आपने न्यू यूज़र करके साइनअप पहले पे क्लिक करके आपने इसको डिटेल्स अपनी भरनी है और अपना लॉगिन बनाना है। तो यहाँ पे देखिए साइनअप का आ जाएगा, तो यहाँ पे आपने सारी डिटेल्स आपने भरनी है। तो यहाँ पे देखिए पहले आपने अपलोड करना पड़ेगा रिज्यूम, और रिज्यूम जो भी हो आप लेटेस्ट रिज्यूम अपलोड करिए, जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो स्किल्स मांगे गए वो ज़रूर ऐड करिए अपने अपडेटेड रिज्यूम में। और यहाँ पे फिर उसके बाद देखिए अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आपने भरना होगा,
फिर वर्क एक्सपीरियंस भरना होगा और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन कोई मांगी होगी वो भरना पड़ेगा। तो पहले पर्सनल डिटेल्स आपने सारी भर देनी है, अपना फर्स्ट नेम, मिडल नेम, जेंडर है, पैन नंबर है, मोबाइल नंबर है, एड्रेस आपने सारा भरना है। नेक्स्ट पे करके एकेडमिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरनी है, फिर वर्क एक्सपीरियंस आएगा और सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। तो ये आपका जो है सबमिट हो जाएगा, साथ में आपके लॉगिन भी बन जाएगा और साथ साथ में ये सारी डिटेल्स आपकी भर जाएंगी और सबमिट हो जाएगी और एचआर के पास चली जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये था सारा प्रोसेस कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि आप जिसमें एक्सपीरियंस नहीं है वही अप्लाई करिए, मतलब कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन है तो जॉब प्रोफाइल उसी के लिए अप्लाई करिए। तो जॉब प्रोफाइल को जरूर चेक कर लीजिए कि आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हो और आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हो, और जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है 1 to 8 years का और उसमें आपका एक्सपीरियंस है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो कि उसमें पैकेज ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर हम पैकेज की बात करें तो देखिए मिनिमम पैकेज इसमें 30,000 से लेकर 50,000 पर मंथ तक होगा, और जो दूसरी एक्सपीरियंस वाली जॉब्स हैं उसमें जो सैलरी पैकेज होगा वो सैलरी पैकेज आपका ज़्यादा होगा। और इसमें देखिए इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होगा, जब ये सारा रिज्यूम चला जाएगा एचआर के पास वो फिर चेक करेंगे, रिव्यू करेंगे, स्क्रूटिनाइज करेंगे आपके रिज्यूम को, और अगर उनको रिज्यूम पसंद आ जाता है उसके बाद फिर वो आपको कॉल करेंगे। कॉल से आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जितनी भी सारी नॉलेज जानेंगे कि आप रियली इंटरेस्टेड हो, क्या आपने कभी जॉब की है, क्या आपको बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ भी पता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। फर्स्ट इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद जो है लास्ट इंटरव्यू होगा वो होगा मैनेजर से, होगा ब्रांच मैनेजर से होगा, वो 1-to-1 भी हो सकता है, टेली इंटरव्यू भी हो सकता है, बट वो 1-to-1 भी होगा। और आपने जो है ये वर्क फ्रॉम बैंक ही होगा, आपने ऑफिस में जाके ही काम करना है, ये वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट ICICI बैंक वन ऑफ द बेस्ट बैंक है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मल्टीनेशनल बैंक है, 17 कंट्रीज में फैला हुआ है और इंडिया में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, top 3 बैंक्स में आता है, तो ये अपॉर्चुनिटी हाथ से मत जाने दीजिए। और अगर आप फ्रेशर्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो जरूर अप्लाई करिए, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो जरूर पूछेगा, मैं डेफिनेटली आपको उसका इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स ऐसी जॉब डिटेल्स बैंक से रिलेटेड और भी प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आती रहेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड प्लीज शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से कईयों की जॉब लग सकती है। तो मिलते हैं एक और नई जॉब डिटेल के साथ, एक और नई कैरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फोमेट्रिक्स को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करिए।